फाल्गुनी, हम उत्तरा का सच सबके सामने क्यों नहीं ला सकते? चाहती तो मैं भी यही थी, और मैंने उनके खिलाफ सबूत भी इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि उन्हें चोट पहुंचाना मतलब सुयश को चोट पहुंचाना। वो टूट जाते, बिखर जाते सासुमा। इसीलिए मैंने उत्तरा देवी के साथ ये खेल खेला है, ताकि उत्तरा देवी खुद अपनी सारी गलतियों का प्रायश्चित करें, उन्हें सुधारें। अब आप देखना, वो आपको खुद आपका दर्जा देंगी और मुझे और सुयश को पास भी लाएंगी। फाल्गुनी, उत्तरा मजबूर जरूर है, पर वो शांत रहने वालों में से नहीं है। कहीं ये तूफान से पहले की शांति तो नहीं? कुछ सही नहीं हो रहा मेरे साथ, सब कुछ गलत हो रहा है। ऐसा आज तक मेरे साथ कभी नहीं हुआ, लेकिन अगर फाल्गुनी ही लेजर है तो इसका मतलब लेजर मरी नहीं है। और अगर लेजर मरी नहीं है तो फाल्गुनी के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बलवान, मुझे तुमसे मिलना है, मैं आ रही हूं अभी। बम भोले मैडम जी। बलवान, मुझे एक बात बताओ, लेजर की लाश का तुमने क्या किया? वो तो कब का दफना दिया? दफना दिया? हाँ। वेरी गुड, अच्छा हुआ जलाया या पानी में नहीं बहा दिया। कहाँ? मैदान में। चलो, मुझे उसकी लाश देखनी है। लाश देखनी? चलो, मुझे वहां ले चलो। हाँ मैडम जी, आप चल कर गाड़ी में बैठिए, मैं गोदाम को ताला मार के आता हूँ। हाँ बोलो मैडम। दीदी, आपका शक एकदम सही निकला, उत्तरा देवी को मारे ऊपर शक हो गया। हमारे पास आई और हमारे से पूछ रही है कि लेजर की लाश का ठिकाना बताओ। क्या? हाँ मैडम दीदी, उत्तरा देवी हमारे से कह रही है लेजर की लाश को जहाँ दफनाया है मुझे वहाँ लेकर चलो। क्या करूँ, उन्हें कहाँ लेकर जाऊँ? हमारी तो कुछ समझ में ना आ रहा है, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई। ठीक है। जीजी माँ, क्या हुआ, आप इतना डरे हुए क्यों हो और इस समय कहाँ जा रहे हो? बिट्टू, वो बलवान है ना, उसका फोन आया था। उत्तरा देवी को शक हो गया है कि मैं ही लेजर हूँ, वो उसकी लाश देखना चाहती है। आप अब क्या करेंगे? मुझे वहाँ जाना होगा जल्दी से जल्दी, वरना प्लान फ्लॉप हो जाएगा। मैं भी चलती हूँ आपके। नहीं 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 नहीं, तू यहीं रुक और कोई कुछ पूछे ना तो संभाल लेना। हाँ, बहाना बना देना कोई भी, तू यहाँ संभाल, मैं अभी आती हूँ। क्या संभालूंगी आपके बिना, कुछ सोचता ही कहाँ है मुझे। किसी ने खरीद के कुछ पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगी मैं? ए भोलेनाथ, फाल्गुनी मैडम दीदी ने कुछ सोच लिया हो कि करना के, मारी तो कुछ समझ में ना आ रहा से। क्या बात है बलवान, इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हें अभी तक याद नहीं आया कि उस लेजर को कहाँ दफनाया था तुमने? वो मैडम जी, मारे को लग रहा से मन ने आपको गलत मोड़ से मुड़ने को बोल दिया था। खैर कोई ना, आगे जाके घूम के हम वहीं पहुंच जाएंगे। पहुंचेंगे तो तब जब पहुंचने की कोई जगह होगी। अब कहाँ लेके जाऊं मैडम जी को और कहाँ से लाऊं लेजर की लाश?
मैडम जी यही रहो, यही रुको। चलो दिखाओ। क्या सोच रहे हो, दिखाओ। मैडम जी, मैंने लेजर की लाश को यहीं दफनाया था। शायद वो बात की है ना, किसी को शक ना हो इसलिए रात के वक्त दफनाया था। और हमारे पास ना टॉर्च थी ना मसाल, जमीन टटोल टटोल के गड्ढा खोदा था मैडम जी, तो थोड़ा कंफ्यूज हूँ। कोई बात नहीं, चलो खोदना शुरू करो। मैडम जी आप यहीं रुकिए, मैं गहती फावड़े का इंतजाम करके आता हूँ। डिक्की से ले लो। आप साथ में लेकर आई हैं? मुझे पता था तुम यहाँ गड्ढा खोदने आओगे लेकिन औजार भूल जाओगे। जाओ ले। क्या बात है बलवान, इतने धीरे धीरे हर काम करते हो तुम। पूरा दिन नहीं है मेरे पास, चलो काम पे लगो। हाँ जी। किसका फोन है? फोन काटो, पहले काम करो। हाँ हाँ वो ही कर रहा हूँ, फोन ही काट रहा हूँ। याद आया मैडम जी, मारा दिमागी काम ना कर रहा है। लेजर की लाश को यहां ना छुपाया था, लालगंज मोड़ के सामने वाले जंगल में, वहां नीम के पेड़ के पास छुपाया था। ये बरोबर याद आया। और ये तुम मुझे अब बता रहे हो? पैर के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी कट गया है क्या? चलो ले चलो मुझे वहां। हाँ चलो चलो। लालगंज मोड़ के सामने वाला जंगल, वहां पहुंचने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलो उतरो। बताओ कहाँ किया था? हाँ 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 ये यही जगह। तो औजार लो शुरू हो जाए। चलो जल्दी जल्दी शुरू कर दो। जगह ढूंढने में आधा दिन लगा दिया है, अब खोदने में आधा दिन मत लगाओ, मेरे पास समय नहीं है, शुरू हो जाओ। वो क्या है ना मैडम जी, सब कुछ देखभाल के करना पड़े, पुलिस चौकसी के लिए चक्कर लगाती रहे। पुलिस क्या करती है क्या नहीं तुम मुझे मत सिखाओ, ठीक है? चल हाथ चला। हाँ। मारे को तो ऐसा लग रहा है मैं अपनी कबर खोद रहा हूं। लेजर की लाश तो मिलेगी ना, मैडम जी इस गड्ढे में मारे को ही गाड़ दी। ए भोलेनाथ बचा ले मारे को।